हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। समय के साथ रूप का जादू भी उतर जाता है और जवानी भी ढलने लगती है, जैसे चांदनी ढल जाती है। मैं तुम्हें चंद्रमा जैसी ही सुंदर बनाना चाहती हूँ, परंतु मेरा दिया हुआ रूप ऐसे चंद्र की तरह होगा जिसे अमावस की काली रात भी ढक नहीं सकेगी। देवी वसुंधरा, तुम सदा सुंदर और जवान बनी रहोगी, इसलिए कि मैं तुम्हें चिर यौवना का वरदान देने जा रही हूँ। चिर यौवना? हाँ वसुंधरा। Thank you.
प्रणाम देवी। सौभाग्यवती भव। देवी वसुंधरा, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुमने भक्ति और पतिव्रता के नियमों का जो पालन किया है, उससे मुझे अनंत आनंद प्राप्त हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है देवी। और तुमने स्वयं भूखा रहकर चावल का जो आधा दाना मुझे अर्पित किया था, मैं उसके बदले यदि सारा संसार भी तुम्हें दे दूं, तो उसका मोल पूरा नहीं होगा। इसलिए उस चावल के आधे दाने का मोल मैं तुम्हें उस समय दूंगी जब तुम इस नाशवान मृत्युलोक को छोड़कर हमारे लोक में पधारोगी। फिर भी जब तक तुम इस धरती पर हो, मैं तुम्हें एक अनुपम उपहार देना चाहती हूँ। मैं तो आपके दर्शन से ही धन्य हो गई माता। त्रिलोकीनाथ ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को संसारी संपदा से निहाल कर दिया है, परंतु एक वस्तु की कमी अब भी रह गई है। कमी? आप कैसी कमी? एक ऐसी वस्तु की कमी जिसका महत्व एक औरत के लिए सबसे अधिक होता है। एक स्त्री के जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उसके पति का प्रेम, उसके पति का विश्वास। और आपकी दया से ये दोनों सुख मुझे प्राप्त हैं। इससे अधिक बढ़कर और महत्व की वस्तु क्या हो सकती है? वही जो उसके पति का प्यार पाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक होती है। अर्थात? अर्थात अर्थात उसका रूप, उसका सौंदर्य और एक उमंग भरा, रस भरा यौवन, जो मैं तुम्हें उपहार में देना चाहती हूँ वसुंधरा। क्षमा करें माता, समय के साथ रूप का जादू भी उतर जाता है और जवानी भी ढलने लगती है, जैसे चांदनी ढल जाती है। मैं तुम्हें चंद्रमा जैसी ही सुंदर बनाना चाहती हूँ, परंतु मेरा दिया हुआ रूप ऐसे चंद्र की तरह होगा जिसे अमावस की काली रात भी ढक नहीं सकेगी। देवी वसुंधरा, तुम सदा सुंदर और जवान बनी रहोगी, इसलिए कि मैं तुम्हें चिर यौवना का वरदान देने जा रही हूं। चिर यौवना? हाँ वसुंधरा। धन्यवाद माता, आपके इस अनुपम उपहार से मेरे जीवन की बगिया में फिर बाहर आ गई। वसुंधरा, जब तक तुम इस नाशवान संसार में हो, तुम सदा जवान और रूपवती बनी रहोगी। तुम्हारा ये सौंदर्य और जवानी समय के आक्रमण से सुरक्षित रहेंगे। हर स्त्री को चाहिए कि अपने पति का प्यार पाने के लिए अपने आप को किसी सुगंधित फूल की तरह आकर्षण का केंद्र बनाए। देखो, श्रृंगार के बिना सौंदर्य भी पत्थर के फूल की भांति होता है, जिसमें ना वो रंग होते हैं जो आंखों को भाते हैं, ना वो सुगंध होती है जो आत्मा को तृप्त कर देती है, और ना ही उसमें वो स्पर्श का आनंद मिलता है। एक बार फिर क्षमा करें माता, जब पति ब्याह के अटूट बंधन में बन जाता है, तो उसके बाद स्त्री के लिए रूप और श्रृंगार का इतना महत्व
कहाँ रह जाता है। देवी वसुंधरा, तुम भी वही भूल करने जा रहे हो जो संसार की अधिकतर स्त्रियां करती रहती हैं। ईश्वर ने संसार में समस्त प्राणियों, यहाँ तक कि पशु पक्षी आदि सबके जोड़े पैदा किए हैं। दोनों को एक दूसरे की ओर आकर्षित करने के लिए पक्षियों को कैसा सुंदर बनाया है, उनमें तरह तरह के रंग भर दिए हैं। ये पक्षी भी अपने आप को सजा संवार कर रखते हैं। तो फिर इन सब से बुद्धिमान मनुष्य की समझ में ये बात क्यों नहीं आती कि रूप और श्रृंगार कितने आवश्यक हैं? आप धन्य है माता, अब आपकी बात मेरी समझ में आने लगी है। तुम्हें क्या, ये बात हर स्त्री को समझना चाहिए कि वो मेरा ही एक रूप है, इसलिए गृह लक्ष्मी को मेरी छवि की तरह सुंदर होना चाहिए। जहाँ सुंदरता ना हो, लक्ष्मी का निवास कैसे हो सकता है? देवी वसुंधरा, ये बात भी याद रहे कि सौंदर्य, आकर्षण और प्रेम इस संसार को चलाने के तीन मूल आधार हैं। और इस श्रृंखला की पहली कड़ी सौंदर्य है, तथा यह सौंदर्य तन का भी होता है और मन का भी होता है। मन का सौंदर्य तो तुम्हारे पास है, और मैं तन का सौंदर्य तुम्हें देकर जा रही हूं। इसे श्रृंगार रस से सजाना और अपने पति का प्यार पाना। तथास्तु। माँ वो देखो क्या, ये तो माता लक्ष्मी की चरण धूली है। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, ये कैसा तेज था, ये कैसी रोशनी थी। लगता था कि सैकड़ों सूर्य इस घर में अपना तेज फैला रहे हैं। सारे गांववासी आपका धन्यवाद करने आए हैं। मगर इस महातेज ने इस घर में अंदर आने का रास्ता ही रोक दिया था, जैसे जैसे रोशनी की एक दीवार सी बीच में खड़ी हो गई थी। ये कोई चमत्कार था या हमारी आंखों का धोखा? आंखों का धोखा नहीं देवर जी, ये सचमुच चमत्कार था। स्वयं महालक्ष्मी देवी पधारी थी। स्वयं महालक्ष्मी देवी? महालक्ष्मी देवी स्वयं? काका, देवी के चारों तरफ उजाला ही उजाला था। अच्छा, काका, देवी के चार हाथ थे। चार चार हाथ? चार हाथ? वो देखो काका। अरे ये तो सचमुच देवी लक्ष्मी के दिव्य चरण चिन्ह हैं। हाँ
वसुंधरा तुम तो कोई देवी हो, हम सबका प्रणाम स्वीकार करो। रुक्मिणी देवी वाह, आपने वसुंधरा को ऐसे निखार दिया जैसे सूखी हुई धरती वर्षा के बाद फिर से हरी भरी हो जाती है, वाह। वसुंधरा का तो अर्थ ही धरती होता है प्रभु, और जिस प्रकार धरती के लिए बसंत ऋतु का महत्व सबसे अधिक होता है, उसी प्रकार एक स्त्री के लिए भी जवानी और सौंदर्य से मूल्यवान वस्तु और कोई नहीं। सो वही उसे भेंट कर दिया। सच है, एक स्त्री की विशेष भावनाओं को एक स्त्री ही समझ सकती है।